क्या परिणाम होगा अगर सूर्य बुध और केतु आपके चार्ट में युति कर रहे हैं किसी भी भाव में। सूर्य बुध और केतु की जब भी युति होती है तो आपको काफी सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी इसके देखने को मिल सकते हैं और काफी सारे नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि केतु यहाँ पर साथ आता है सूर्य और बुध के, तो सूर्य और बुध से जो कुछ आपको मिलने वाला है उसमें या तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा या फिर वो आपको उस हिसाब से नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। आप कभी कभी अपनी जो क्वालिटी है या अपना जो कुछ भी आपको मिला है इस युति के द्वारा उसको आप पहचान नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो रह सकता है इस युति की वजह से। देखा जाए तो कभी कभी आपको कुछ सेल्फ आइडेंटिटी की समस्या, खुद की एक अलग पहचान बनाने की जो आपकी क्षमता है उसकी समस्या, और काफ़ी बार आपको कुछ ऐसे मामलों में जहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट हो सकता है, काफी हिडन हो सकता है। इसके अलावा कुछ पारलौकिक शक्तियों के अनुभव या आपके इंट्यूशन पावर के स्ट्रॉन्ग होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सूर्य बुध और अगर केतु तीनों साथ आते हैं तो कभी कभी आप सूर्य की जो पावर है, सूर्य से जो कुछ आपको मिल रहा है, उन चीज़ों को खो देंगे या उन चीज़ों को पहचान नहीं पाएंगे। तो आपको सूर्य के द्वारा या बुध के द्वारा भी जो कुछ मिल रहा है उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा या फिर आप वहाँ पर कमी अवश्य महसूस करेंगे। ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपको वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, आपको कुछ सीखने या पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो फादर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि आपके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई होगी या आपके फादर के साथ आपकी ठीक से बनती नहीं होगी, और भी बहुत सारे इश्यूज इसमें आ सकते हैं देखने को। तो सूर्य बुध और केतु जब भी युति कर रहे हैं ऐसे में आपको सरकार से भी कोई विशेष लाभ कभी कभी नहीं हो पाता, लेकिन इस युति के परिणाम को, इस युति के इफेक्ट को अगर हम पॉजिटिवली देखें तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं रिसर्च में या गहराई में बहुत ज़्यादा जाते हैं किसी भी विषय के, तो ऐसे में आप एक डीप थिंकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्टडी करने वाले आप जातक हो सकते हैं, एक अच्छे रिसर्चर आप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केतु कुछ अनवांटेड, कुछ इस प्रकार के यूनिक एक्सपीरियंस आपको अवश्य देगा जब वो सूर्य और बुध के साथ रहेगा। अब यहां पर अगर सूर्य के गुणों में कमी होगी तो फिर बुध के गुणों में भी कमी जरूर देखने को मिलेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप बुध से रिलेटेड चीजों के लिए जीवन में संघर्ष करते हुए देखे जाएंगे। इसका असर आपकी लर्निंग पर पड़ेगा, आप कैसे किसी चीज को सीखते हैं, किस प्रकार से आप अपना कम्युनिकेशन रखते हैं, आपकी स्पीच कैसे है, आपका सोचने का तरीका, आपका डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर इसका असर डायरेक्टली पड़ेगा। तो सूर्य बुध और केतु जब भी युति कर रहे हो इस प्रकार से ये आपको कुछ ऐसे फील्ड के अनुभव दे सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम की तरफ भी अगर देखा जाए तो नकारात्मक परिणाम भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अक्सर यहाँ पर सूर्य और बुध से जो कुछ आपको मिलने वाला है उसमें कमी अवश्य रहती है या उन चीज़ों की भरपाई आप कभी नहीं कर पाते अपने जीवन में। अब हो सकता है कि किसी के भी ये जो युति है वो लगन में बन रही हो, तो लगन में अगर बनेगी तो आप अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे या बहुत ही लेट आप अपनी पहचान कभी कभी बनाएंगे ऐसे में। साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल की बात जहां तक आती है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा लो रह सकता है, आपके डिसीजन मेकिंग के तरीके, आपका कुछ ऐसे डिसीजन, गलत डिसीजन हो जाएंगे आपसे, कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपको करियर से रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं इस युति की वजह से। देखा जाए तो सरकार से कोई विशेष लाभ कभी कभी नहीं होता, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, करियर में आप बहुत बार भटक जाते हैं इस प्रकार की युति की वजह से। देखा जाए तो फाइनेंस के फील्ड में भी आपको कोई इतनी अच्छी सफलता इस युति की वजह से कभी कभी नहीं मिलती है, आप अपने धन को मैनेज नहीं कर पाते, आप अपने चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को रहती हैं।
इस युति की वजह से कभी कभी आपके मन में काफ़ी ज़्यादा भय भी रह सकता है या मन में काफ़ी बार आपके डाउट भी रह सकता है, लेकिन इसके अगर हम पॉजिटिव साइड को भी अगर देखें तो आपको बहुत कुछ ये युति दे सकती है। लेकिन ये युति आपको हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक ही देगी। अगर इसके द्वारा कुछ पॉजिटिव आपको दिया जाएगा तो वो काफ़ी अजीब तरीके की चीज़ें होंगी लाइफ में आपके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब भी आपके चार्ट में इस प्रकार की युति बन रही हो। अब देखा जाए तो आपके कौन से भाव में ये युति बन रही है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा अक्सर आपको इस युति में बुध दोनों प्लैनेट के बीच में देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए केतु दोनों के बीच में आ जाते हैं किसी वजह से, सूर्य और बुध के बीच में अगर केतु होगा तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब ये आपके कौन से भाव में ये युति बन रही है, जिस भाव में ये युति बन रही है उनसे संबंधित जो आपके रिलेशनशिप हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनमें आपको काफ़ी कठिनाई होगी, उनको मैनेज करने में काफ़ी कठिनाई होगी। आपके अपने रिलेटिव्स के साथ आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में। तो ये कुछ परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपके इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से इसके परिणाम और भी अलग अलग हो सकते हैं।